अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन जी, मैं शाहरुख शाह रिपोर्टर, इस वक्त मैं मौजूद हूँ UPL क्रिकेट ग्राउंड में और हमारे साथ इस वक्त माया नास क्रिकेटर, टेस्ट क्रिकेटर मौजूद हैं, तौसीफ अहमद साहब, उनसे हम जानते हैं कि आज के इवेंट के हवाले से उनसे पूछ रहे हैं कि क्या सूरत हाल है क्रिकेट की। अच्छे टीमें यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं, ज़रा मुझे बताइएगा कि कौन सी आपकी फेवरेट टीम है। मेरा ख्याल है मैं इतना तो नहीं जानता है, ये मुझे पता है कि ये तमाम डिपार्टमेंट्स के सोशल मीडिया के तमाम प्लेयर्स खेल रहे हैं और मेरा ख्याल है कि उनके लिए आसानी भी होगी आगे लेफ्ट के ऑर्गेनाइजर हैं कि भाई आगे जाके ये कोई अगर टीम तश्कील देते हैं तो जाहिर है कि अपने लोकल डिपार्टमेंट के प्लेयर्स को देख रहे हैं और उसके बाद जो है ये इनको एक आसानी होगी कि कोई अगर वो ये चाहेंगे कि कोई बड़ी अच्छी टीम ग्रेड टू के लिए अपने डिपार्टमेंट की एक आठ बॉल की टीम जो है वो तैयार करने में बहुत आसानी होगी और बड़े अच्छा एफर्ट्स है मैं समझता हूँ और ये इससे जो है रोज़गार भी डेफिनेटली मिलेगा और लोगों को भी सामने आना चाहिए। ज़ाहिर है अभी मैं देख रहा हूँ इनके अपने वर्कर्स जो काम करते हैं वो तो खेल ही रहे हैं लेकिन जिस तरह का इनका प्लान है जो बताया गया है लगता है कि ये फ्यूचर में टीमें बनाएंगे और हॉकी का भी जिक्र किया है हेल्थी कॉम्पिटिशन होगा फिर रोज़गार भी इसमें। तो उसी ये बताइएगा जैसे कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रिजवान भाई ने भी लेपर्स के उन्हें बताया कि हॉकी की टीम भी जो है वो शामिल कर रहे हैं, हॉकी के भी टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज कराएंगे, तो ये कितना अच्छा इनिशिएटिव है हॉकी के लिए भी। ये क्रिकेट से हट के सवाल है आपके लिए, अदर स्पोर्ट है मगर उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं बिल्कुल, हॉकी जाहिर है हमारा नेशनल खेल है और वो के इस वक्त बड़ी मुश्किल का शिकार ज़रूर है बट आई थिंक जिस तरह ये लेपर्ड जो है वो क्लियर कर रहा है कि टीम बनाने की बातें हो रही हैं सारी तो इसी तरह जाके इम्प्रूवमेंट आएगी और ज़्यादा शौक जो है वो और ज़रूरी है कि हमारी हॉकी को भी जो है अच्छा अप्रोच करनी चाहिए लोगों को और इतने ज़बरदस्त प्लेयर हमारे गुजरे हैं हॉकी के तो ये लेपर्ड के लिए एक बड़ी अच्छी बात है कि वो हर किसी मेरे ख्याल और भी कई खेल हैं और शायद उसके बाद वो उसको भी जो है बनाने की कोशिश करेंगे तो इससे मैंने बताया ना कि रोज़गार में तो यकीनी तौर पर लोगों को रोज़गार मुहैया होगा और फिर हेल्थी कंपटीशन है और यकीनी तौर पर दूसरी टीमें भी इसको देख के सामने आएंगी और ये बड़ा अच्छा इस वक्त मैं देख रहा हूँ वो के टेप बॉल ज़रूर है बट ऑर्गेनाइज जिस तरह किया गया और फिर किसी कंपनी के मालिक कान अगर उसमें इन्वॉल्व हो और उनको शौक हो ये करने का मेरा ख्याल इससे बहुत ढारस मिलती है लोगों को। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने मायानाज क्रिकेटर लेजेंडरी क्रिकेटर तौसीफ अहमद के इंटरव्यू आपने सुना, उनका यही कहना था कि बहुत सारी इससे जो है वो इस तरह के इवेंट से हेल्दी इवेंट से ना सिर्फ यहाँ के एम्प्लॉयज़ को इससे फ़रोग मिलेगा बल्कि फाइनेंशियली तौर पे भी इसको इसमें जो है वो काफ़ी अच्छा होगा उनके लोगों के लिए भी। जी मी साइनिंग ऑफ, शाहरुख शाह साइनिंग ऑफ, इंशाल्लाह ताला फिर आपसे मुलाकात होगी अगली जगह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।